नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री के आर कन्या आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज धनेरा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बीए सेमेस्टर वन प्रथम बोर्ड हिंदी सीई 201 यानी कि पेपर दो कहानी। मित्रों, आगे के वीडियो में आपकी एक कहानी पूर्णतः चर्चा हो चुकी है। मित्रों, अब आपके इस कहानी के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद, तो आपको पेपर एक में कविता में जो उनकी कविता हमने पढ़ी थी बीती विभावरी, उसके भी कवि जयशंकर प्रसाद जी, क्योंकि प्रसाद जी पहले कवि इसके बाद लेखक, उन्होंने वो छायावाद के प्रतिनिधि स्तंभ कर दिए, तो उनका परिचय मैंने आपको पेपर एक के जरिए दे दिया है। तो बार बार एक ही कवि का परिचय नहीं दोगे, यानी कि उसमें से आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। तो अब उनकी कहानी जो है पुरस्कार, इसका चर्चा करेंगे। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की एक ऐसी कहानी है जिसमें व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम दोनों की चर्चा की हुई है। शीर्षक भी है पुरस्कार का, मतलब होता है तोहफा भेंट सौगात। तो उसमें देखिए कि इस कहानी का जो घटना स्थल है श्रावस्ती नगरी है। कौशल, जिसे कौशल राज भी कहा जाता है, कौशल राज, और उसकी मुख्य कौशल राज है, मुख्य पात्र जो है मधुलिका। और दूसरा है मुख्य पात्र विद्रोही राजकुमार अरुण मगध का जो है, और इसके पिता हैं वीर सिंह मित्र। भी आपको पहले पात्रों का परिचय दे दियो पसंद। तो इस प्रकार जो कौशल राज्य की राजधानी है श्रावस्ती, उसकी बात है। लेखक कहानी का प्रारंभ करते हैं। आद्रा नक्षत्र है, आकाश में काले काले बादल घूमन रहे हैं, और श्रावस्ती नगरी का नियम है कि हर साल राजा एक दिन कृषक बनता है और पूरे के पूरे नगर में से किसी भी एक व्यक्ति का खेत राजा चुनता है, और उस दिन उस खेत में राजा स्वयं हल जोतकर खेती करता है, और जो भी व्यक्ति का खेत होता है उसको उस भूमि का चौगुना चौगुना है। चौगुना है, चार गुना मूल्य दिया जाता है। और इस बार राजा ने मधुलिका का खेत चुना है, इसका खेत चुना गया। और कहानी का आरंभ होता है, उत्सव होता है, राजा हाथी से नीचे उतरते हैं। इसके बाद हुष्ट पुष्ट और सजाए हुए बैलों को लेकर हल से खेत जोतते हैं, और उसके साथ ही बीजों के भरा हुआ थाल लेकर मधुलिका चल रही है, क्योंकि जिसका खेत होता है उसको बीज देने का राजा को सौभाग्य। उसकी रूखी अलके यानी कि बालों की लटे हवा में लहरा रही है, उसके सूखे वस्त्र को संभालते हुए वो मधुलिका चल रही है। जैसे ही खेत को बोने की विधि संपन्न होती है, राजा आते हैं और मंत्री सुमण मुद्राओं का भरा हुआ थाल मधुलिका के हाथ में देते हैं, जो खेत का मूल। मधुलिका उसको स्वीकार नहीं करती। उस सुमण मुद्राओं को ऐसे उछालकर राजा पर न्यौछावर कर देती है। राजा क्रोधित होते हैं, राजा कुछ बोले इससे पहले ही मंत्री बोल देता है, अज्ञान बालिका क्या करती हो। तब मधुलिका कहती है, उस संदर्भ के लिए भी आई थी और इस कहानी का भी महत्वपूर्ण वाक्य है, कोटेशन में भी प्रश्न में भी लिखना, देव यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है,
मूल्य स्वीकार करना मेरे लिए सामर्थ्य के बाहर, मैं इसे बेच नहीं सकती। मधुलिका के बात को सुनकर मंत्री के राजा को नियम बताते कि नियम क्या है उस सबके। तो राजा से मंत्री कहते हैं कि नियम है कि उस व्यक्ति को खेत को राजा का खेत गिना जाता है और उस व्यक्ति खेत की रखवाली वही व्यक्ति के साथ करता है और उस खेत का चौगुना मूल्य व्यक्ति को दिया जाता है। कि मूल्य, हाँ वो मूल्य तो है ही पर लेने से इनकार करते हैं। इसके बाद सारे लोग उत्सव में मस्त हो जाते हैं। मधुलिका अपने खेत के पास मधु मधु वृक्ष के नीचे सूखे पत्तों पर जाकर बैठ जाते हैं और जिस समय वो राजा को बीज दे रही थी उसी वक्त जो लिखा है हमने कि मगध का राजकुमार अरुण, जो अरुण था वो सबसे विपरीत, सभी लोग राजा को देख रहे थे, अरुण मधुलिका को देख रहा था। जैसे ही पेड़ के नीचे जाकर बैठती है अरुण जाता है, ते बद्रे कौन आप, मैं मगध का राजकुमार, कहते क्या कि मैं आपकी इस अनुपम छवि का नाश हो गया, भक्त हो गया। मधुलिका कहती है रहने दो, मेरा उपवास करने की क्यों आया, मैं आप राजा तो आप स्वर्ग के देवता और मैं भूमि की सामान्य पुष्क वाली का, मेरा उपवास मत करो, मुझे मेरी पीड़ा को और भी मत दूंगी, आप चले जाओ। ऐसा कहने के साथ ही वो वहां से चला जाता है। मधुलिका इसी जगह झोपड़ी बनाकर आसपास के खेतों में मजदूरी करके रहती है। ऐसा करते करते 3 साल बीत गए। बारिश की मौसम है, भयानक बारिश हो रही है और उसकी झोपड़ी सूखे पत्ते और सूखी लकड़ी उसे मिली है, ओले गिर रहे हैं, पानी अंदर गिर रहा है। मधुलिका दुखी है, सोच रही है उसे उस राजकुमार की याद आती है, अगर शायद वो मिल जाए। और देखो संजोग भी कैसा है, प्रसाद जी की शैली की विशिष्ट भी देखो मित्रों, कि जैसे ही वो सोचती है अपनी झोपड़ी के कोने में सिकुड़ कर बैठी है, उसी वक्त झोपड़ी का कपाट कोई खटखटाता है। मधुलिका ऐसे घनघोर भयानक बारिश सहती है, पूछती है कौन, उत्तर मिलता है पति को, मुझे आसरा चाहिए। मधुलिका पहले सोती है फिर जाकर अपने झोपड़े के कपाट खोलती है और अरुण जिसके हाथ में एक मशाल है उसी की रोशनी में दोनों एक दूसरे का चेहरा देख लेती है। अब तक तो उसको भी पता नहीं था कि मधुलिका की झोपड़ी है और ना ही मधुलिका को पता था कि अरुण है। तुम दोनों एक दूसरे को कहते तुम ही हो। फिर जो अरुण अब क्या है, मगध का विदुरी राजकुमार, मगध छोड़कर आया है, वहां से निकला है तो उसके पास काफी सैन्य है, रहता है। मधुलिका सैन्य को देखकर कहती है कि ऐसी निकट स्थिति में भी तुमने सैन्य तो अपने राजा के बाहुबल होते हैं, क्या होता है उसकी शक्ति होती है, उसको मैं नहीं छू सकता। दोनों झोपड़ी में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। अरुण मधुलिका से कहता है मधुलिके तुम मेरी सहायता करो, मैं तुम्हें श्रावस्ती यानी कौशल नगरी का रानी बनाऊंगा। सिर्फ एक चार पहर की बात है सुबह में तो क्या, तो कहते हैं कि तुम राजा से अपनी भूमिका मूल्य। मधुलिका इसकी बातों का स्वीकार करते रात्रि के उसी समय राजा के पास जाती है। राजा सोने की तैयारी कर रहे हैं, उनका सैनिक उन्हें बताता है कि कोई एक स्त्री आपसे अभी मिलने आई है। मना करता है, मधुलिका कहती है नहीं मुझे राजा से अभी मिलना है। और जैसे आगे हमारी बात थी इस प्रकार से मधुलिका जो
वीर सिंह इंद्र की पुत्री थी मधुलिका। तो मधुलिका के लिए राजा कहता है क्या चाहिए बोलो, यही कहते हैं भूमिका मूल्य चाहिए क्या, जो भी मांगो वो खेत हुए दूंगी। कहते मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राज्य की जो चार दिशाएं होती है उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम जो भी हो, तो इसी प्रकार से राजा के दुर्ग की दुर्ग यानी किला एंड जिसे हम राजभवन भी कहते हैं। तो दुर्ग की दक्षिण दिशा का हिस्सा पूरा का पूरा जंगल और उबड़ खाबड़ भूमि है। उबड़ खाबड़ भूमि है।